आज की टॉपिक है अधर्मी का मनोबल क्यों बढ़ता है और कब बढ़ता है, और इसके लिए अधर्मी से ज्यादा भागीदारी जो उसका मनोबल बढ़ाता है वो उसके बराबर के भागीदारी में शामिल होते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं उससे ज्यादा धन जो मनोबल बढ़ाता है उसको मिलता है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले ये समझिए अधर्मी कहेंगे किसे, जो अकारण किसी दूसरों को पीड़ा देता है, ठीक है, जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, अकारण हिंसा करता है, ठीक है, समझ गए ना। और बाकी आप समझते ही है, कहने का तो इतना काफी है। तो अब देखिए ध्यान से, एक समझिए, सबका तय कर दीजिएगा। ये परिवार है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी है, किसका किसके साथ क्या संबंध है ये नहीं है, परिवार में इतने लोग हैं, ठीक है, ये आप भलीभांति जानते हो, ठीक है। ए अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, ठीक है, बी अगर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, ध्यान से देखिए, बी अगर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, ठीक है, तो जिसके पास पावर है इस मेंबर में, समझिए ना, जिसके पास पावर है तो इसको वो रोके, उसको क्या करे, वो रोके, उसको उचित दंड दे, अगर वो नहीं देता है तो इसी समय इसका मनोबल बढ़ता है। इसी समय क्या होता है, इसका मनोबल बढ़ता है। मान लो सी इसके पक्ष में रहा और जानता है, सी भी जानता है कि ये गलत कर रहा है, ठीक है, और सी डी के पक्ष में है, तो बी का मनोबल कैसे बढ़ रहा है, सी के कारण ज्यादा, और ये डे बाय डे बढ़ता है। इसके लिए इसको तो भुगतना ही पड़ता है, कहने का तात्पर, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जो कहते हैं ना, इसने गलती किया तो ये तो सजा भुगतेंगे ही, लेकिन इसके भागीदारी कौन है, ये भी भागीदारी इसमें शामिल हो गए, तो इसको भी भुगतना पड़ता है। आप ऐसे एक आप समझिए, ऐसे दुर्योधन, ये देखिए धृतराष्ट्र, ठीक है, दुर्योधन, भीष्म पितामह, ठीक है, द्रोणाचार्य, ठीक है, कृपाचार्य, अश्वत्थामा या कर्ण, कोई भी हो, ये सब इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब गलती करता है, कौन, दुर्योधन गलती करता है, ठीक है, तो इसके पास पावर है, ठीक है, इसके पास पावर है ना, गद्दी पे जो बैठा है, पुत्र मुंह में जो भी हो, किस कहने का तात्पर्य, लेकिन वो इसे रोकता नहीं है। तो आप ध्यान से समझिए, आपको खुद पता चल जाएगा, ध्यान से समझिएगा, खुद पता चल जाएगा कि अधर्मी से ज्यादा मतलब जो अधर्म को बढ़ावा देता है उसको भुगतना पड़ता है। तो इसके पास क्या था, पावर था, तो उस समय ये उपयोग नहीं किया, जो भी हो, ठीक है, इसके पास भी था, इस समय अपने अपने वचनबद्ध के जो सिस्टम जो कहते हैं वो सबके पास, लेकिन जो इसके मतलब इसके हाँ में हाँ मिला है, ठीक है, इसको मतलब, तो ये किसके बदौलत इसका मतलब बढ़ रहा है, इसको लड़ने की क्षमता इसको कहाँ से आता है, दो मतलब लड़ाई जो हो रहा है, अगर दो में लड़ाई हो रहा है, और एक कमजोर है एक ताकतवर है, लेकिन ताकतवर अगर गलत है, ध्यान से देखिए, और कमजोर सही है, तो ये दबाने की कोशिश करता है, लेकिन यहीं पे एक ताकतवर और है जो इससे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, ज्यादा पावरफुल है, तो इसको ये रोक सकता है, लेकिन ये दोनों ताकतवर क्या करता है, इसका इसको दबाने की कोशिश करता है। तो इधर कहते हैं ना, अगर कर्तव्य का पालन कर रहा है और ऊपर वाले पे पूरा विश्वास है, तो ऐसा फेल होता है कि इसके साथ इंडिविजुअल रूप में नारायण हमेशा रहते हैं, ठीक है, और जरूरत पड़ती है तो प्रकट भी होते हैं, कहने का मतलब, और इन सब का समझ गए ना, नाश होता है, उससे बुरा हाल होता है, आप ऐसे ही समझिए। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ध्यान से देखिएगा, दुर्योधन, तो दुर्योधन का क्या हुआ, दुर्योधन जितने भी भाई जो भी थे, जो भी सिस्टम, ये सब सब मारे गए नहीं अधर्मी, और इनसे ज्यादा बदतर किस तरह से मौत ही लड़े, क्योंकि ये सब इसकी अंतरात्मा कह रहा है कि ये गलत है, फिर भी हम इसी के पक्ष में रहेंगे, फिर भी हम इसी के पक्ष में रहेंगे, तो इसलिए वो पल पल घुट घुट के वो मर रहे थे, पल पल घुट घुट के वो मर रहे थे। और इसके बाद शरीर, वो कहते हैं ना, शरीर जब तक, शरीर से तो उसको मुक्ति तब मिला जब वो पूरा छोड़ दिया, लेकिन अंदर ही अंदर पल पल चाहे वो कर्म ही क्यों ना हो, ठीक है, ये भी जानते गलत, लेकिन ये कहते हैं ना, जीभ से जो निकल जाता है सिस्टम, तो वही बांध जो है ना, कहते हैं तलवार की चोट नहीं तो तेज नहीं जितनी जीभ आती, तो कहने का तात्पर्य यही, और सब इसके कारण सब इसमें थे, इसलिए सब इसके अपने प्रिय से मतलब जो प्रिय
मतलब थे उनके शिष्य जो भी हो सब प्रिय होते कहने के ऊपर, तो गलत अधर्मी को जब ये बढ़ावा दे दिया जिसके पास ज्यादा पावर है, लेकिन सौ पुत्रों का जो है सिस्टम कहने का तत्पर समझ लो ना, किसे देखना पड़ा, इसे इसे भी भुगतना पड़ा कहने का तत्पर। तो अधर्म जब कहते हैं जब ये गलती करता है तब इसका मनोबल बढ़ाने में किसका आदत है, इसका हर वक्त, क्योंकि आप रोकते रोकते हो आप अगर यहां से इससे भाग न लो अगर तो इसका मनोबल बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अगर इससे ताकतवर है अगला तो वैसे भी नहीं लड़ेगा, ठीक है कहने का तत्पर। कमजोर है तो फिर इसके आप समझ गए ना क्या करना है, आपको किधर पक्ष में लेना है, क्या समझाना है। हाँ, क्योंकि गलत अनीति अन्याय को बढ़ावा नहीं देना यहीं पे, तो इसीलिए सबको भुगतना पड़ा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ना घर लेवल पे क्या होता है, ये उसका उसकी चक्कर तो होता है, इसमें सभी का विखंडन होता है। अब इसका परिणाम कब भुगतता है पता है, किसी न किसी माध्यम से। आज अगर आप देखा जाए कहीं पे कुछ होता है और सब बेघर हो जाते हैं, युद्ध हुआ या कहीं मिसाइल गिरा कोई बेघर हो जाते हैं, तो वो कहते हैं हमने क्या पाप किया था, कहते होंगे ना हमने क्या पाप किया था तो ऐसा हुआ है। तो आप समझ सकते हो क्या हो रहा है, समझ रहे हो ना क्या हुआ है। और बाकी कुछ भी होता है मतलब घर स्तर पर, मतलब किसी भी स्तर पर आप देख लो, तो इसीलिए अधर्म को बढ़ावा आप न दीजिए। आपके पास पावर है उसी समय रोक लगाइए, आप अगर जो उचित दंड दे सकते हैं दे सके, चाहे वो घर स्तर पे हो ठीक है, चाहे वो जिस स्तर पे आप भी हो, जैसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट के मालिक है कहने का तत्व समझ गए, जैसे IAS IPS या कोई भी कहने का तत्व समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी स्तर पे जो जिस स्तर पे है और आपके पास पावर है किसी चीज का, वो आपके मतलब बोल के कर सकते हो अगर उसको शांत ठीक है, लेकिन अधर्म को बढ़ावा नहीं देना है, क्योंकि जब ये आपने अधर्म को बढ़ावा दे दिया तो उसका मनोबल बढ़ता है और अंदर ही अंदर आप घुट घुट के आप भी कहीं ना कहीं अगर आप अच्छे हो तो घुट घुट के रहते हो इसीलिए, और आप हर पल हर क्षण आपको पीड़ा होता है ठीक है, तकलीफ होता है मरते हो, तो इसीलिए आप इसको तो इसका परित्याग करना पड़ता है कहने का तो गलत समझ ना, हाँ कि अगर जब नहीं समझे तो इसका परित्याग कर दो अगर गलत है तो ठीक है, क्योंकि इसकी लपेट में जो सभी मारे जाएंगे ठीक है, और सभी सभी इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि सभी उसके भागीदारी बन जाते हैं, और अगर भागीदारी नहीं बनेगी तो नहीं होगा, तो इसीलिए आपको क्या करना है, भागीदारी नहीं बनना है, गलत को बढ़ावा नहीं देना है। इसीलिए किसी न किसी कहते हैं ना कि हमने क्या किया था गलती, तो आप समझ गए ना किसी भी स्तर पर देखो कभी ना कभी कर, तो इसीलिए कोशिश करो जितना ना हो सके गलत, और जितना बढ़ावा नहीं देना है नहीं देना है, तो उसका मनोबल टूटेगा, जब ये मनोबल टूटेगा वो खुद अच्छा बन जाएगा, क्या हो जाएगा अच्छा बन जाएगा ठीक है। और अगर सही बन के नहीं रहते तो भाई आप आपके साथ रहना है तो आप समझ लो आप किस टाइप के हो, समझिए आप खुद ही वो डिसीजन दे दो, आप पे भी होगा मतलब कहने का तो भाई ना, क्योंकि आपको हो रहा है फिर आपसे जो भी जुड़ा है सबको होगा, फिर कहेगा मैंने क्या गलती किया था, तो क्योंकि सब जुड़ा हुआ होता है। रावण था आप देखो रावण अभी रावण ही था, रावण से सब जुड़ा था, बाकी की क्या गलती थी, रावण ने गलती किया था सब इससे जुड़ा हुआ था ठीक है, सब तो सब इसके कह रहे ना उसको समझाया, अब उसी में से एक निकल गया विभीषण निकल गया कहने का तत्पर, समझाया नहीं निकाल दिया जैसे भी हो कहने का तत्पर, तो विभीषण को तो कुछ नहीं हुआ लेकिन लोग नाम रखे क्या करे नहीं करे उसने मतलब, लेकिन विभीषण को कुछ नहीं हुआ बाकी सभी को हाँ। तो किसी ना हर चीज का कुछ ना कुछ लिंक होता है, इसीलिए कहता एक करता एक है भुगतना सबको पड़ता है, इसलिए मैंने कहा था अधर्मी को कहने का तत्पर मनोबल आप बढ़ाते हो अधर्मी का तो उससे ज्यादा दंड आपको हमेशा भुगतना पड़ता है, इसीलिए जहां से हो जिस स्तर पे हो जिस लेवल के आप हो जिस मतलब पावर है उस स्तर पे अपने पावर का उपयोग कीजिए और उसका मनोबल न बढ़ाए चाहे किसी भी स्तर पे ठीक है, लेकिन आप भी गलत ना करें कहने का तत्पर, लेकिन यार ये पापी है अब आप इसको अब ये हिंसा चाह रहे हैं ठीक है, आप इसको रोक लो नहीं तो अब हिंसा के माध्यम से ही होगा तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि इसको रोक लगाने के लिए तो करना पड़ेगा ना दूसरा अगर ऑप्शन नहीं है तो यही चीज है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे, इसलिए अधर्मी को बढ़ावा मनोबल मत बढ़ाइए नहीं तो आपको दर्द होगा, और आपसे जितने भी लिंक होते हैं समझ गए ना सबका कहीं ना कहीं भागीदारी होता है, तो इसीलिए सभी एक साथ भुगतते आज वही हो रहा है हर जगह समझ लो ना, तो इसीलिए आप कोशिश करो
ठीक है, कोशिश क्या पूरी तरह से अधर्मी को, ठीक है ना, अब साथ मत दो, ठीक है, जो गलती कर रहे हैं उसका तत्क्षण उसी समय उसका पॉइंट बना के उसको सही करो, समझा के अच्छा करो, ठीक है। और अगर उसको बढ़ावा देते हो तो एक कहते ना बड़ा बन जाएगा, और जब बड़ा मनोबल बन जाएगा फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा, फिर उसमें जितने भी किए हो ना वो कर, मतलब कहने का पाप, कहने का तो जो बढ़ावा दिए हुआ दूसरों को, आपसे इसको पीड़ा हुआ है, इसको पीड़ा हुआ है, इसको पीड़ा हुआ है, इसको पीड़ा हुआ है, कहने का तत्पर, और ये सही है, ये गलत नहीं है, अगर ये भी गलत है अधर्मी है तो कोई बात नहीं है भाई, दोनों आपस में निपटा लो, लेकिन ये सही है तो याद रखना, भुगतना पड़ता है, और ये आपकी कौन जानता है, अंतर आत्मा और परमात्मा, पता है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि अधर्मी को समझ गए ना, किसी भी स्तर पे आप अगर पेरेंट्स को अगर मान लीजिए घर से बाहर निकालते हैं, जैसे वृद्धाश्रम भेजते हैं, स्वेच्छा से नहीं, जबरदस्ती आप भेजते हैं उसे, क्यों, क्योंकि जब आप उसको ट्रीट करेंगे तो वहां से जाएंगे ही, तो आपने तो गलत किया और आप उसमें भागीदारी हुई, और भागीदारी हुई तो आपको तो भुगतना ही पड़ेगा ना, फिर उस समय डिरी आने की कोई बात ही नहीं, उससे ज्यादा भुगतना पड़ेगा, और इसीलिए तो किसी न किसी माध्यम से जवाता है, और ये फिर भी बच्चे के लिए क्या क्या करते हैं, तो इनको भी ये होना चाहिए, कहने का तत्पर कि या तो वो कभी किए होंगे तो अपने आप को सही करें, माफी मांग, कहने का मतलब ना एक सही पे आ जाए ट्रैक पे, अदरवाइज अगर वो नहीं करेंगे तो खुद भुगतेंगे, ये सबका कहने का तत्पर किसी से गलत करके ये अर्न करेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी के साथ अगर ये गलत कर रहे हैं, गलत मतलब समझ गए ना, जो एक्चुअल है उससे ज्यादा, मतलब हाँ कहने का तत्पर आप समझ लोगे, और ये सब इससे खा पी रहे, मतलब सब कुछ कर रहे हैं, अब कल इसका सब होंगे और इसी को निकाल देंगे, तो ये बहुत सारे सिस्टम होते हैं, अगर समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि अधर्मी को मतलब बढ़ावा मत दो, मनोबल उसका मत बताओ, किसी भी फील्ड में, किसी भी स्तर पे, चाहे वो मेल फीमेल किसी भी स्तर पे हो, अगर पुरुष गलती करता है मतलब मेल, तो उसको भी सजा होनी चाहिए, अगर फीमेल तो उसके लिए भी जो उचित हो पाए वो कीजिए, लेकिन आप समझ गए ना, कोशिश कीजिए समझा के काम हो जाए सही अच्छे से, और पुरुष भी आप शराब वाइन दारू पीते हो जिससे सही परिवार को नुकसान पहुंचे, क्योंकि आपको अगर कुछ होता है तो सबको, सब आपसे जुड़ाव होता है, सबको प्रॉब्लम होता है, तो आपको गलत चीज नहीं करना चाहिए, आपको चोरी करके यानी कि कुछ ऐसा गलत चीज नहीं करना चाहिए जिससे पूरे परिवार पर असर हो, इसीलिए और ये लाए और इस से एक आदमी ने बता दिया अच्छा किया चोरी करके लाए, ठीक है, अब वो एक दिन इसको पकड़ लिया पीट रहा है तो उसके तो सभी भुगतेंगे ना, फिर इसको कुछ हो गया फिर क्या करोगे, तो इसीलिए मैंने कहा है अधर्मी का मनोबल जब आप बढ़ाते हो तो उससे ज्यादा भागीदारी आपको, आपको दर दर घुट घुट के क्या करना पड़ता है, और फिर तो अकस्मात कुछ होता है ना, समझ गए ना, तो कहते हो क्या हो गया हमने तो कभी किसी का, तो ये चीज आप जान लीजिए, समझ गए ना, तो अधर्मी का मनोबल मत बढ़ाइए किसी भी स्तर पर, आपके पास जिस स्तर पर जितना पावर है उसको उपयोग कीजिए, ठीक है, नहीं तो उससे ज्यादा कहीं अन आपको मिलता है और मिलेगा ही, ठीक है, अब इसको जितना बढ़ाएंगे ना उतना बढ़ेगा, ओके।